पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं अपराध अनुसंधान विभाग कमजोर वर्ग के पत्र के आलोक में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं भेदभाव की रोकथाम को लेकर प्रथम दिन शुक्रवार को राजकीय कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मशरख के सभागार में महिलाओं एवं बालिकाओं को विधियों की जानकारी प्रवाहन में दी गई, जबकि अपराहन में संबंधित विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्कूली छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिला आज हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, बावजूद इसके छिटपुट होने वाले महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा एवं छात्राओं को राह चलते परेशानी रोजमर्रे में शामिल है। ऐसे में स्कूली छात्राओं को आत्मबल शक्ति विकसित करते हुए किसी भी अन्याय महिला उत्पीड़न को लेकर सशक्त तरीके से उठाने की सीख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इंद्रजीत बैठा ने दी है। उन्होंने छात्राओं एवं महिलाओं को किसी भी सोशल मीडिया पर अपरिचित को फोटो शेयर नहीं करने की बात कही। अपने एवं किसी अन्य महिला के साथ किसी तरह के वायलेंस को लेकर पुलिस के टोल फ्री नंबर पर फोन कर साइबर सेल से मदद लेने की जानकारी दी। मशरख थानाध्यक्ष रितेश कुमार मिश्रा ने सरकार द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम के लिए पुलिस थाना में महिला अधिकारी एवं पुलिस बल के साथ साथ महिला थाना खोले जाने की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधान अरुण कुमार बरनवाल, जबकि संचालन शिक्षक संजय कुमार सिंह ने किया। मौके पर जमादार सुमन कुमार, विद्यालय शिक्षक प्रभात चंद्र भूषण, वीना कुमारी, महेश कुमार पुद्धार, विजय कृष्ण त्रिपाठी, राम प्रवेश पंडित, दुर्गा प्रसाद, दयानंद सत्यार्थी, राजेंद्र कुमार, इंदु कुमारी सहित अन्य कार्यशाला में सुझाव रख छात्राओं को जागरूक किया। उसके लिए आप तो तुरंत जागरूक रहना है, जब पुलिस को फोन करना है, 112 नंबर फोन करना है, कि सर हम जा रहे हैं, लोकेशन अपने आप चेक कर लेगा, पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी, आपको तुरंत फोन करेगी। अगर घर में कोई घटना घटती है तो उसकी भी जो नंबर है 181 नंबर है, वहाँ भी आप खबर कर दीजिए, डायरेक्ट पटना और दिल्ली लग जाता है। 1098 नंबर है, हेल्प नंबर है, अगर घर में कुछ कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई परिवार कुछ कर रहा है, अगर दोषी कुछ कर रहा है तो तुरंत आप खबर कीजिए उसको, किस नंबर पर कॉल कीजिए, तुरंत पुलिस पहुँच जाएगी। तो बहुत सारे नंबर है जिसको आपको जानकारी नहीं है, उस चीज़ को समाज में जागरूक करना है और आप लोग बताना है, जिससे इस कक्ष में जितने 50 हैं तो आप एक एक आदमी तय करेंगे कि हम 50-50 को बताएंगे, 20-20 को बताएंगे, 30-30 को बताएंगे, तो बहुत सारी जागरूकता हो जाएगी। इस चीज़ को अगर आप फैलाएंगे तो महिला जो सशक्तिकरण है, जो समाज में किस तरह घटना घटनी हमारे बच्चे के साथ, उस पर ये है महिला सशक्तिकरण। आप लोग सब जान है कि सशक्तिकरण है क्या, महिला सशक्तिकरण है क्या, पर यह समझना है कि महिला सशक्तिकरण है क्या। इसी विषय पर, इसी विषय को लेके हम लोगों के द्वारा ये एक कार्यक्रम का आयोजन आज भी होगा, कल भी होगा, परसों, 3 दिन का लगातार यह कार्यक्रम है और ये सरकार के तरफ से ही यह आदेशित है, भारत सरकार के तरफ से ही आदेशित है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।